नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे रजनी स्कूल टेक चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको किसी भी फोटो का पीएनजी कैसे बनाते हैं और उस पीएनजी में बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम जो आज पीएनजी बनाएंगे और पीएनजी में जो बॉर्डर लगाएंगे, दोनों काम हम एक ही ऐप से करेंगे जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो अगर आपके मोबाइल में पिक्सआर्ट नहीं है तो सिंपल सा प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से आप पिक्सआर्ट लिख कर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि हमारे में डाउनलोड है तो ओपन करने का ऑप्शन आ रहा, तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ ये सबसे नीचे जो प्लस वाला आइकन है इस पर टैप कर देना है। तो प्लस वाले टैप करने पर आपके सामने ये जो खुलेगा, तो इसके सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पर लिखा है कलर बैकग्राउंड, तो आपको किसी भी कलर का बैकग्राउंड ले लेना है क्योंकि आपको तो पीएनजी बनाना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जैसा कि वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, वाइट बैकग्राउंड लेने से ये ऐसा आ जाएगा और आपको यहाँ पर आप फोटो ऐड करना है जिसका पीएनजी बनाना है। तो मैं कोई एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ किनारे। आप देखिए, यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ऐड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से ऐड फ़ोटो पर मैं टाइप कर दिया। अब आपको जो भी फ़ोटो इसमें पीएनजी बनाने के लिए ऐड करना वो आप ले लीजिए। तो जैसे कि मैं ये एक फ़ोटो को ऐड कर लिया और आपको पीएनजी इसका बनाना है तो मैं इसको ऐड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से डन कर दीजिए और उसके बाद किनारे पे ही आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा कटआउट का, तो आपको सिंपल साइज कटआउट पे टैप कर देना और इसको फ़ोटो को जूम कर करके आपको इस फ़ोटो को पूरा इस रेड कलर से, इसका साइज भी आप छोटा कर सकते हो, रेड कलर से आपको इसको पूरा इसको पोतना है, मतलब पूरा ये रेड कलर करना है। इस जितने का पीएनजी आपको बनाना है वो आपको पूरा रेड करना है। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल आप कर लीजिएगा पूरे को रेड, जूम करके कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी फ़ोटो में, क्योंकि जूम करने में आप बिल्कुल डिटेल से कर पाओगे। अगर थोड़ा बहुत अभी कलर बाहर भी निकलता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बाद में सही हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ, दिखाऊंगा। भाई लोग, जैसे कि देखिए मैंने पूरा को कलर कर दिया रेड कलर से। अगर कुछ गलत भी, जैसे मैं अभी गलत कर दिया किनारे, तो ऊपर जो ये बटन है इससे बैक कर सकते हो। जैसे कि मैंने बैक कर दिया तो सब सही हो गया। और देख लीजिए एक बार फिर से कि कहीं छूट तो नहीं गया, तो सब हो गया सही से। तो अब हमें ऊपर से सीधा सा इस पे बटन पे टैप करना है, तो आपके सामने देखिए पूरा कलर हो गया फोटो। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ, जैसे यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। नीचे जो एक ब्रश का निशान है, इसका साइज भी आप घटा बढ़ा करके यहाँ कर सकते हो। और अगर कहीं बाहर निकल जाए तो इसके रबड़ वाले निशान पर टैप करके उसको मिटा भी सकते हो। तो जैसा कि हमारा फ़ोटो जैसे लगभग बहुत सही बन चुका है, तो आप हम इसे सेव कर लेते हैं ऊपर से। जैसे कि मैंने सेव किया, तो देखिए आपके सामने पीएनजी फाइल बनकर तैयार हो गया अपने फ़ोटो का। तो आप इस तरीके से अपने फ़ोटो का पीएनजी बना सकते हो। और अगर बॉर्डर लगाने की बात हुई तो आप यहीं देखिए किनारे पे एक बॉर्डर का ऑप्शन रहेगा, देखिए एक बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपल सा टैप करना है। आप देखिए, आप किसी भी कलर का यहाँ बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे लाल, सफ़ेद और भी जितने भी कलर का बॉर्डर आप चाहें तो लगा सकते हैं। और इससे बॉर्डर की मोटाई घटा बढ़ा सकते हो आप इस रो से। और यहाँ से मिक्स टूल पर जाके आप किसी भी कलर को बना सकते हो, मतलब बहुत ही कलर यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप यहाँ से बना सकते हो। और उसके पहले एक ट्यूब का निशान है, उस पर जाके आप इससे क्या कर सकते हो, जैसे किसी शरीर का कलर का ही हमें बॉर्डर बना, तो शरीर पे चले गए शर्ट के ऊपर, और शर्ट का कलर नीला है तो मैं इस पर जाकर छोड़ दिया, तो मेरा जो बॉर्डर बनेगा इसी कलर का बनेगा। या फिर आप शकल पर जाकर, अपने शकल पर जाके छोड़ दो तो उसी शकल का बॉर्डर बन जाएगा, ये होता। अब इसकी मोटाई घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ऊपर अगर आपको बन गया हो, जैसे मैं वाइट कर देता हूँ तो वाइट बन गया हो,
इसकी थोड़ा मोटाई कम कर दीजिए, तो ऊपर से सीधा सा डन कर दीजिए, तो आपके सामने देखिए बहुत ही अच्छा PNG से आपको बॉर्डर बना दिए हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।